और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नावलेकर के फैसले के बाद मुंबई की सड़कों पर दो तस्वीरें दिखने लगी हैं। एक तरफ सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थन जश्न मनाते नजर आए हैं और दूसरी तरफ उद्धव गुट के जो नेता हैं वो किस तरीके से अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा स्पीकर राहुल नावलेकर के फैसले को सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए स्पीकर ने जो फैसला दिया वो लोकतंत्र की जीत है और शिवसेना किसी की जागीर नहीं है। ये सत्य में जीते है, आखिर सच्चाई की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, लोकशाही की जीत हुई है और ये मेरिट पे रिजल्ट दिया हुआ है। क्योंकि मैं पहले से कहता था कि लोकशाही में मेजोरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है और इसलिए आज स्पीकर ने जो फैसला सुनाया है ये लोकशाही में ये डेमोक्रेसी का जीत है। शिवसेना के उद्धव गुट ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर फैसला उसके हक में नहीं आया तो वो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। उद्धव ठाकरे गुट के लिए स्पीकर का ये फैसला लोकसभा चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले कोई फैसला न लिया तो उद्धव ठाकरे गुट को बिना तीर कमान वाले चुनाव चिन्ह के ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसीलिए फैसले के फौरन बाद शिवसेना के उद्धव गुट के दफ्तर के सामने समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर विरोध करने पहुंच गए। लोगों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ी। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के 39 विधायकों ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 20 जून 2022 को बगावत की थी। अचानक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना ली। इसके बाद दोनों गुटों के विधायकों ने एक दूसरे को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली थीं, लेकिन कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर को इस मामले की जांच कर सही फैसला लेने को कहा था। चुनाव आयोग पहले ही शिंदे गुट वाली शिवसेना को पार्टी के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल का अधिकार दे चुका है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब उद्धव गुट के 15 विधायकों की सदस्यता पर भी संकट आ सकता है और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से पार्टी के सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी किया जा सकता है। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के तौर पर बरकरार रहेगी। शिवसेना के उद्धव गुट ने इस फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया। नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है, संविधान को दरकिनार किया गया है। उधर एनसीपी और कांग्रेस ने भी स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए। तो उद्धव गुट को एक बार फिर से झटका लगा। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत स्पीकर के इस फैसले को साजिश बता रहे हैं। आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्रिब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को उद्धव ठाकरे ने लोकतंत्र की हत्या बता दिया। साथ ही स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने इस लड़ाई को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, जनता को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो उद्धव ठाकरे को जाहिर तौर पर क्योंकि झटका लगा है तो उनकी नाराजगी जाहिर है और अब उनके पास में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो किया गया स्पीकर की ओर से वो निश्चित तौर पर गलत है और अब हम जो है सर्वोच्च अदालत के पास जाएंगे और इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे। तो उद्धव गुट ने यह साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद उद्धव गुट ने यह साफ कर दिया है कि वो अब इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ठाकरे परिवार के पास यही विकल्प बचा है। इससे पहले चुनाव आयोग भी शिंदे गुट के पक्ष में ही फैसला उन्होंने सुनाया था। ऐसे में उद्धव